अब सिमुलेशन देखते हैं अपन, सिमुलेशन में देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर, यस सर। वही फर्स्ट स्टेप तो आपको ये मशीन मिलेगी, सेकंड स्टेप में आप मेजर करेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग। वैसे जब डेटा डाउनलोड करके आपको भेजता हूँ तो उसमें इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग आ जाती है, आप लोगों ने देख लिया होगा डेटा में। तो अगर नहीं भी तो आप नोट तो कर ही लीजिए, है ना, हो सकता है नहीं आए इसलिए नोट तो कर ही लेना। तो एक्स एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे आ गया और एवरेज रीडिंग आ गई। इनिशियल एरिया भी इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया, 317.31 mm², ठीक है। आगे बढ़े, एवरेज इनिशियल डायमीटर डी इज इक्वल टू 20.1 mm, हाँ लिख लीजिए। खुशीराम मीना ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? आपका नेटवर्क वीक है खुशीराम मीना। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया सबने? हाँ सर। इसके बाद अपन लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ मेजर किया तो 190 mm मिल रहा है हमें, 190 mm। लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, इसको बोलते हैं गेज लेंथ, ठीक है। गेज लेंथ होती है ये, जहां पे ग्रिप है उसकी रीडिंग नहीं ली जाती है, हमें कहां से कहां तक की रीडिंग लेनी होती है, जो गेज लेंथ वाला है, हमें लेंथ यहां से लेकर यहां तक की नहीं लेनी है, ग्रिप वाले पोर्शन को माइनस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन 2.5D डिस्टेंस पे चार पंच करेंगे। कितनी डिस्टेंस है? एक दो दो पंच के बीच की डिस्टेंस लिख लीजिए कितनी है, 50.25 mm। लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे आप लोग 2.5D डी की वैल्यू आप लिख चुके हो, कितना थी, 20.1 की 20.1 थी, तो 20.1 इंटू 12.5 करेंगे तो आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं इसको नीचे करो, ठीक है नीचे कर लेते हैं, जैसे इसको ड्रैग कर सके यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, यहाँ पे इसको रख दिया। इसके बाद अब इसको टाइट कर देंगे, ग्रिप कर देंगे दोनों को। ग्रिप करने के बाद यहाँ पे इन्होंने लगा दिया डायल गेज इंडिकेटर, डायल गेज इंडिकेटर को जीरो सेट किया, ये जीरो सेट हो गया और अपन आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अपन ने यहाँ पे ग्रीन बटन ऑन किया तो हमें ये यहाँ पे, अब इसको आपको इधर ध्यान देना और कहीं ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इधर ये हाईलाइट किया वाला पोर्शन, कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको देखने लगेंगे धीरे धीरे। देखो धीरे 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 हो गया ये, अब मतलब ब्रेक होने वाला, ये ब्रेक हो गया। एक बार फिर से चला लेते हैं इसको, इसको फिर से चला लेते हैं, है ना। रीडिंग थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हैं, आपका वैल्यू चेंज आ सकता है, उसका ध्यान नहीं देना है आपको। ये अभी चेंज आ गया, है ना, हर बार चेंज आता है, अपन हर बार नई नई रीडिंग मिलती है ना। तो अभी 182 मिला, पहले क्या 190 मिला था, 190। तो चाहो तो ये आप उसी को ही कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे ख्याल से ये एक्सेल शीट पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको सारी वैल्यूज, अगर लिखी हुई मिल जाए तो आप, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया, अब ध्यान उसी बिल्कुल जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसी पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। देखना है कि कहाँ पे स्लो हो रहा है, जैसे स्लो हो रहा है तो आपको अच्छे से आपको स्पेसिमेन की ओर ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको इधर ही ध्यान देना है, अच्छे से देखना ब्रेक होगा कहीं से, जहां से वीक होगा वहां से ब्रेक होगा, जरूरी नहीं है यहाँ से ब्रेक हो। स्लो हो गया है, अभी भी स्ट्रेंथ है इसमें, ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, ठीक है ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे अपन को कप एंड कोन शेप नहीं मिलता है, हमें बिल्कुल सीधा स्लोप आपको मिलता है ना सर। हाँ
ये बीचों बीच ब्रेक क्यों नहीं हुआ बेटा? ये आपका यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एलोंगेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है मटेरियल में. क्यों? क्योंकि आपका ये ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल डायरेक्टली ब्रेक होता है, तो वो वहां से ब्रेक होगा जहां से आपका मटेरियल आपका वीक होगा. वीक का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, ये बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ. वो जो वो अभी वो चीज बनाऊंगा जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखेंगी, वो माइक्रोस्ट्रक्चर में दिखती है. ठीक है, जो चीज अभी मैं बना रहा हूँ वो आपको आपकी आंखों से नहीं दिखेगी, आपको कैसे दिखती है, माइक्रोस्ट्रक्चर में देखने के बाद दिखती है. तो ऐसा कुछ मान लो कोई मटेरियल है, ठीक है, उसमें आपको माइक्रोस्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको ऐसे स्मॉल नोचेस मिलेंगे, आपको स्मॉल नोचेस मिलेंगे, जिसको अपन सरफेस रफनेस भी कहते हैं. तो बहुत छोटे छोटे होते हैं जो अपन को माइक्रोस्ट्रक्चर में दिखते हैं. किसी किसी में थोड़ा बड़ा दिखेगा, किसी में बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है. तो जहां भी देखिए, अपन को दो पीक पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो ये वाला पीक पॉइंट, ऐसे नंबर ऑफ पीक पॉइंट मिल रहे हैं जिसमें पीक पॉइंट आपका सबसे बड़ा होगा. जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो आपका मटेरियल आपका यहीं से ही ब्रेक होगा, है समझ में? अब आपको मान लीजिए इसको एक नॉच, एक टर्म होती है नॉच, ठीक है, NOTCH नॉच. इसमें क्या, अगर मटेरियल को बीच से कट करवाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, मटेरियल में नॉच प्रोवाइड करते हैं. नॉच का मतलब क्या होता है, अपन इंडेंटेशन देते हैं मटेरियल में. इंडेंटेशन देंगे, किसी की भी हेल्प से अपन इंडेंटेशन दे सकते हैं. हमने इसको बीच में से ऐसा बना दिया. अब ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको नोच दिख रहा है, ये आपको अपनी आंखों से दिखेगा. अब आपको ये वाला नोच अपनी आंखों से दिख रहा है, और बाकी जो अपनी आंखों से नहीं दिख रहे हैं, तो ये सब जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ा ही होगा. तो अब जो मटेरियल दिखेगा आपको, आपको दिखेगा अपनी आंखों से, वो मटेरियल आपको ऐसा दिखेगा. आपको मटेरियल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, मटेरियल दिखेगा ऐसा. अब ये जो यहाँ पे जो भी क्रैक्स हैं, ये आपको माइक्रोस्ट्रक्चर में दिखेंगे, ये अलग से दिखेगा. अब आप मटेरियल को लेके जाएंगे और आप यूटीएम करेंगे, तो ये एग्जैक्टली यहीं से ही ब्रेक होगा, क्योंकि आपने यहाँ से इसको वीक कर दिया है. आया समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? यस सर, डाउट क्लियर हो गया. अब ये क्या प्लॉट करेगा, ग्राफ, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया इसने, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर दिया. अब आपको अगर चाहिए तो आप अपने हिसाब से, जैसे ही हम, एक चीज मैं आप लोगों को इंक्लूड करना चाहता हूं जो यहां पे नहीं होगी, वो ये, जैसा कि मैंने कहा है कि 0.2% ऑफ स्ट्रेन में आपको यहां से इस लाइन के पहले अगर आप लेके जाते हैं लाइन, और ये किसी भी पॉइंट पे कट करता है, वो उसको यील्ड पॉइंट कहा जाता है. तो आपको ये क्या करना है, जो ये इसमें नहीं दिखेगा, आपको इसमें नहीं होगा ये चीज, तो ये चीज आप कैलकुलेट करके देखना. यहाँ पे अपन यील्ड पॉइंट भी कैलकुलेट करेंगे, तो वो यील्ड पॉइंट कहाँ मिल रहा है वो आपको पता चलेगा. पर आप जो अपना फिजिकल ग्राफ बनाएंगे, जो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, वहां पे आप स्केल से ये चीज नाप कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब ये 0.2% निकाल सकते हैं इसका, 0.2% यहाँ मार्क करेंगे. मार्क करने के बाद इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाएंगे, और वो लाइन यहाँ पे भी कट करेगा, उसकी वैल्यू नोट करेंगे, ठीक है. वो वैल्यू आपकी यील्ड पॉइंट, आप थ्योरेटिकली वो वैल्यू क्या होगी, यील्ड पॉइंट होगी, ठीक है. थ्योरेटिकली वो वैल्यू क्या होगी, आपकी यील्ड पॉइंट होगी. और ये चीज आपको कहाँ बनाना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है. अब आगे बढ़े, अब अपन को तीन तरह के स्लोप बनाने होंगे. ये देखिए, तीन तरह के स्लोप आपको कैसे मिलेंगे. पहला स्लोप आपको क्या है, पहला स्लोप जो बताता है वो क्या बताता है आपको, यहाँ पे तीन स्लोप है, स्लोप वन, स्लोप टू, स्लोप थ्री. देखिए स्लोप वन क्या है आपका, ये देखिए स्लोप वन है ये वाला, जो आपको जीरो से किसी भी एक पॉइंट पे, देखिए ये जीरो से कर्व के किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कीजिएगा, कर्व के किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे पॉइंट को, उसके बाद जीरो से इसको लाइन बनाएंगे अपन, जीरो से लाइन बनाएंगे,
ये लाइन दिख रही है आपको, जीरो से और इस पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बनाएंगे, उस लाइन का स्लोप अगर बनाते हैं, उस लाइन का अगर स्लोप निकालते हैं तो उसको अपन स्केलेंट मॉड्यूलस कहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलेंट मॉड्यूलस, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका क्या है, दूसरा इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए। आप तीनों के लिए सेम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे बेटा, ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग पॉइंट सिलेक्ट करो। हमने मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, तो अपन को तीन लाइन बनानी होगी। एक लाइन अपन को कौन सी बनानी है, एक तो जीरो से होते हुए जोड़ के बनाएंगे, दूसरा टेंजेंट लाइन बनाएंगे, ये टेंजेंट लाइन दिख रही है, टेंजेंट लाइन, और तीसरा आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, वो यील्ड, वो 0.2% वाली, 0.2% वाली, वेरी गुड। ये लाइन वो लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल होते हुए जाएगी, इस लाइन के पैरेलल होते हुए, आया समझ में, इस लाइन के पैरेलल होते हुए लाइन जाएगी और यहाँ पे पॉइंट पे कट करेगी, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे कट करेगी। तो अगर इसका स्लोप आपको निकालना है तो ये स्लोप आपका क्या होगा, यहाँ से आपको, अब टेंजेंट होते से टेंजेंट, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना रहे हो और स्लोप निकाल रहे हो तो उसको बोलते हैं टेंजेंट मॉड्यूलस, क्या बोलते हैं, टेंजेंट मॉड्यूलस। और तीसरा वाला जो है स्लोप आपका, ये जो है स्लोप जिसको इस वाले, या तो फिर आप इस वाले ग्राफ का ही डायरेक्ट बना निकाल लीजिए, दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेना, दो पॉइंट सिलेक्ट करके आप दो पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर स्लोप निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अपन को क्या मिलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो होते हुए मिलता है, यंग्स मॉड्यूलस हमें, अपन को वैसे ही तो मिलता है, यंग्स मॉड्यूलस कहाँ मिलता है, पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक मिलता है। और अपन ने कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, इस लाइन के पैरेलल लाइन बना रहे हैं, मतलब इसका स्लोप निकालना, मतलब इसके बराबर, अगर हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं तो इस लाइन का स्लोप दोनों का बराबर आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैसे भी आप 0.2% पे इसको लेके जाके बनाएंगे ही, तो आप इसका स्लोप निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये स्लोप आपको जो क्या बताएगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, आया समझ में। तो सर इसने ये पॉइंट तो प्रूफ लोड वाला पॉइंट ले रखा है ना सर, कोई सा भी थोड़ी ना ले रखा है, कोई सा, मैं समझा नहीं आप क्या, ये प्रूफ लोड है ना, आपने कहा था ना, हाँ आपने तो कहा था सर कि कोई से भी पॉइंट पे ले सकते हैं, तो आप वैसे किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, क्योंकि ये कर्व का स्लोप है, तो जहां पे भी हरकत हो रही है, आप ये प्रूफ लोड क्या है, प्रूफ लोड अभी आपको पता चल जाएगा क्या है प्रूफ लोड, है ना। तो आप चाहो तो इन्होंने एग्जैक्ट प्रूफ लोड और पॉइंट ही क्यों इसलिए लिया है, क्योंकि आप इसी को यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन, तो इसी कोई पॉइंट को लेके इन्होंने स्लोप बना लिए। तो अपन स्लोप तो किसी भी पॉइंट पे बना सकते हैं, ठीक है, अपन पॉइंट तो किसी के भी ले सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना। तो इनको, इन्होंने इसी पॉइंट को इसलिए लिया है क्योंकि इसी पॉइंट का ही हमें कैलकुलेशन करना है आगे चल के। तो ग्राफ देख लिया, अब आगे चलते हैं, तो लेंथ मेजर करेगा, तो ये नेग्लिजिबल लेंथ बताता है, नेग्लिजिबल डायमीटर चेंज, रिडक्शन इन डायमीटर इज नेग्लेक्टेड और एलोंगेशन इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि कैलकुलेट कीजिए, देखिए प्रूफ स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए अपन को किसकी जरूरत है, प्रूफ लोड डिवाइड बाय आउट एरिया एओ, एओ क्या है, जब फाइनल एरिया है, पर फाइनल एरिया यहाँ पे और इनिशियल एरिया दोनों क्या है, बराबर है, नेग्लिजिबल है, डायमीटर चेंज नेग्लिजिबल है, तो इनिशियल एरिया के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे अपन प्रूफ स्ट्रेस निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अपन फाइनल एरिया ले रहे हैं, ठीक है ना, इंक्लूड कर रहे हैं फाइनल एरिया को। इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल से ब्रेकिंग लोड, यहाँ पे आपको ब्रेकिंग लोड कहाँ मिलेगा, फिर से जाते हैं ऑब्जर्वेशन पे, देखिए यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही है, स्लोप वन स्लोप टू लीस्ट काउंट सब मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल एरिया, इनिशियल डायमीटर, लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन बिटवीन द ग्रिप्स आपको मिल रहा है, लीस्ट काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो ग्राफ में जाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, ग्राफ में चलते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट को अगर अपन लेते हैं, वैसे हाँ ब्रेकिंग पॉइंट को अगर लेके अपन क्या कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है,
yield strength मिलती है, breaking load divided by area, तो हमें मिलेगा tensile strength. लिख लीजिए इसको बेटा, इसको लिख लीजिए क्योंकि थ्योरी में भी नहीं लिखा हुआ है ये चीज. प्रूफ स्ट्रेस निकालना हो तो प्रूफ लोड डिवाइड बाय एरिया होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ब्रेकिंग लोड डिवाइड बाय एरिया होगा. स्केलेंट मॉड्यूलस देखिए, स्केलेंट मॉड्यूलस है स्लोप वन, पहला वाला स्लोप मतलब जीरो से होते हुए जो लाइन बना रहे हैं, स्लोप वन इंटू वन अपॉन लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट सेम रहेगा, नोट कर लीजिए, लीस्ट काउंट यही रहेगा 0.01 mm. लीस्ट काउंट रहेगा 0.0 क्योंकि ये किसका है, लीस्ट काउंट किसका है, ये डायल इंडिकेटर का. डायल इंडिकेटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 और ये रीडिंग जो देता है कौन सी रीडिंग देता है, डिविजन्स में रीडिंग मिलती है. ये है डिविजन्स, ठीक है. तो डिविजन्स को हमें कन्वर्ट करना होता है mm में, तो हमें लीस्ट काउंट इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है. इसीलिए यहाँ पे स्लोप इनटू वन अपॉन लीस्ट काउंट इनटू लेंथ अपॉन एरिया. लेंथ क्या है, टोटल लेंथ, ये वाला लेंथ, लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन बिटवीन द ग्रिप्स 182, ठीक है. टोटल लेंथ मतलब इसको अपन कह सकते हैं गेज लेंथ भी कह सकते हैं. तो गेज लेंथ डिवाइड बाय एरिया. स्लोप वन, आप इसको स्लोप वन नहीं लिखेंगे, मतलब आपको पता चल गया मैं स्लोप वन एक्चुअली में इन्होंने जो लिया है स्लोप वन क्या है, ये जीरो से उस लाइन को लेके गए प्रूफ लोड तक उसको जोड़ा है. तो हमें प्रूफ लोड पहले तो पता करना है कि प्रूफ लोड क्या है, अपन को पहले पता ये करना है, ठीक है. तो प्रूफ लोड तक अपन जीरो कैसे पता चलेगा सर, अभी बताऊंगा ना, ग्राफ बनाएंगे अपन, पता चल जाएगा. तो प्रूफ लोड आपको ब्रेकिंग लोड दोनों सब पता चल जाएंगे. तो प्रूफ यहाँ से प्रूफ लोड तक आपको ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ से आप स्लोप बनाएंगे, जो भी स्लोप बनाने तीन तरह के स्लोप बनाएंगे. तो स्लोप वन सबका फॉर्मूला यही रहेगा, स्लोप वन ले रहे हो जीरो से ले रहे हो तो वो इसका नाम रखा गया है स्लोप वन इंटू वन अपॉन लीस्ट काउंट इंटू लेंथ अपॉन एरिया. टेंजेंट वाला, टेंजेंट वाले उस पॉइंट पे प्रूफ लोड पे आपने टेंजेंट बनाया है, उस टेंजेंट का अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो वो स्लोप टू नाम रखा गया उसका, स्लोप टू इंटू वन अपॉन लीस्ट काउंट इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है. तीसरा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो आप डायरेक्टली या तो फिर आप प्रूफ लोड से होते हुए उस लाइन से पैरेलल लाइन बनाए तो उसका स्लोप बनाएंगे तो आपको मिलेगा स्लोप थ्री इंटू वन अपॉन लीस्ट काउंट इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है. ठीक है, अब शायद फिर से जाना पड़ेगा अपन को बताने के लिए ये चीज. एक मिनट, फिर से चलाना पड़ेगा. डाउनलोड नहीं किया था ना, इसलिए इसको फिर से चलाना पड़ेगा.
हेलो प्रूफ स्ट्रेंथ दूंगा प्रूफ लोड की वैल्यू इनको कैसे मिली है ये तो कुछ इन्होंने बताया ही नहीं है सर वो 0.2% वाली लाइन जहां टच हो रही थी ना वही देखो टच अच्छा इसको कैलकुलेट करके देखना 60 के करेस्पोंडिंग हमें 230 मिल रही तो इसका 230 का 0.2% करना कितना आ रहा है 230 का 0.2% नहीं करेंगे अपन टोटल का किया जाएगा क्या ले गई टोटल डिवीजन आ रहे हैं 405 चलो मैं चली रहा हूँ तो भाई मेरे पास नहीं है वही तो है सर इस ग्राफ में दिख रहा है ना प्रूफ स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड पॉइंट एट ऑफसेट और ऑफसेट 0.002 ही होता है तो 0.2% इसका कितना होगा अभी प्लॉट किया इसको प्लॉट करके देखते हैं प्लॉट करके देखते हैं अपन वैल्यू आ रही है एवरेज इनिशियल डायमीटर 20 लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन भी लिखा हुआ आ रहा है तो अपन को आप लोगों को वो मिलेगा ठीक है अगर नहीं कुछ सॉल्यूशन मिला तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कल की क्लास में बता दूंगा कैसे निकालना है प्रूफ लोड ठीक है यस सर अभी देखते हैं अगर सॉल्यूशन मिल जाएगा तो अच्छी बात है
405 का करो, 0.2% कितना होता है? 8.1 सर. 8.2% सर, 0.2% ना, 0.81 आता है. 0.81 आएगा सर डायल. सर वैसे सर ऑफसेट मेथड तो अपन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में लगाते हैं सर, ये तो लोड वर्सेस डायल कर्व है सर. रहेगा तो वही ना, ये तो नहीं, नहीं सर फर्क आएगा ना, प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनली आगे बढ़ता है ना ये. हाँ सर, बट वो भाई आप जो भी बनाओगे तो ये जाएगा तो उतना ही आगे ना, ये जाएगा तो उतना ही आगे ये. आप फिर उस लोड की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. लोड की वैल्यू को नहीं, यहाँ पे अपन को लीस्ट काउंट को इंक्लूड करना पड़ेगा. लीस्ट काउंट को इंक्लूड करने के बाद हमें मिलेगा वैल्यू मिलेगी किसकी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिलेगी, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, उसके बाद ही कैलकुलेट हो पाएगा आपका प्रूफ स्ट्रेन. ये चीज आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, कल के दिन में बता दूंगा, अभी ये क्लियर नहीं है. ये चीज आपको कल क्लास होगी ना आपकी, उसमें आपको मैं क्लियर करके बता दूंगा. ठीक है, ठीक है ना. तो ग्राफ तो प्लॉट करने आ ही जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आपको 3 कैलकुलेशन कर लेना. स्लोप का भी कैलकुलेशन तो हो नहीं पाएगा जब तक अपन को प्रूफ स्ट्रेस नहीं मिल पाएगा, तो अपन को अभी ब्रेकिंग पॉइंट ही पता है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ रहा है सिर्फ यही पता है, बाकी 3 चीजें जो है वो बाद में पता चल पाएंगी, वो मैं आपको कल क्लास में आपको बताऊंगा. ठीक है, चलो ठीक है, अभी के लिए आप लीव कीजिए, आपको कल क्लियर. ओके, थैंक यू सो मच. प्रेजेंट लगाएंगे क्या इसको? नहीं बेटा, लगा दिया है ना प्रेजेंट आप लोगों ने. सर वो पिछली वाली वीडियो YouTube पे डालोगे ना सर? डालूंगा बेटा, टाइम नहीं मिल पाता है, डालूंगा मैं, जरूर डालूंगा. ओके सर.